हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटीज। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो क्रूड ऑयल के जो 22 फरवरी फ्यूचर चल रहे हैं वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह का प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको जो है प्रीवियस 19 जैन की अगर बात करूँ तो ये जो लेवल था वो ब्रेक होगा, डाउन साइड के अंदर सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो है काफ़ी अच्छी जो है गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर एज ऑन द टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी भी है तो यहाँ पर आप बना सकते हो बिलो द प्राइस ऑफ 6200 का। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड के अंदर तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेंड है वो पहले से बेरिश पर ही यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम यहाँ पर देखें तो जो अपसाइड के अंदर जो यहाँ पर टारगेट से वो थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर एकदम से अगर तेजी आती है और यहाँ पर जो RSI का जो मोमेंटम है अगर उसमें भी ब्रेकआउट देखने मिलता है, दैट इज ओवरसोल्ड जोन से अगर ओवरबॉट जोन में जाता है और यहाँ पर अगर सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर अगर 1 या 2 EMA में भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। 10, 15, 20 ये आपके इंट्राडे टारगेट्स हो सकते हैं मिनिमम बेसिस के हिसाब से। अदरवाइज यहाँ पर आप चाहो अपने जो टारगेट्स को जो है आप यहाँ पर आप ट्रेल भी कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर हम RSI का अगर हम एनालिसिस करते हो, RSI जो है अभी करेंटली ओवरसोल्ड जोन में है, बट यहाँ पर जो मोमेंटम है मोस्टली पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। और MACD का जो लास्ट इंटीमेशन मिला है वो यहाँ पर सोल्ड की साइड है, सेल की साइड पर ही है। तो यहाँ पर हमने सेल के जो टारगेट वो यहाँ पर आपको बता दिया है और उसके साथ साथ में बाय अगर आपको करना है तो नियरली अबाउट 6310 या फिर 6315 के आसपास जो है यहाँ पर आप अपनी जो है बाय पोजीशन बना सकते हो, डेट इज़ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1520 या फिर अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक, बिकॉज ये जो डाउन ट्रेंड आया है एकदम से अगर यहाँ पर एक गिरावट भी आती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है टारगेट डाउन साइड के अंदर अच्छी हो सकते हैं। अदरवाइज फिर से पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा तो ये जो टारगेट से जो जो आपको फर्स्ट कैंडल देखने मिली तो उतना तो टारगेट जो है मिनिमम यहाँ पर हमें कवर होते हुए देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।